सभी भारतवासियों को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़। भारत के संविधान में लिखा हुआ है स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44, भारत सरकार समान नागरिक कायदा देश में लाना चाहता है। हमारे जो स्टेट पॉलिसी है इसे कोई मूलभूत अधिकार नहीं होने से कानून के आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में केस नहीं डाल सकते। जब तक कानून ये बन नहीं जाता तब तक इनको कोई आधार नहीं होता है। भारत सरकार आर्टिकल 44 को फंडामेंटल राइट में लाना चाहता है और उस आधार पर सभी को समान नागरिक कायदा देना चाहता है। भारत देश के लोग आर्टिकल 14 के आधार पर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने समान है और समान संरक्षण है। सभी को समान कानून होने के आधार पर इस देश में सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। पुरुष को जितना अधिकार उतना स्त्री को होना चाहिए। भारत में ना हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, सभी धर्म अपना अपने घर में रखना चाहिए। भारत का नागरिक होते हुए भारत के कानून के आधार पर यहाँ जो शोषित पीड़ित समाज है उस समाज को, उन जाति के लोगों को ऊंचे ऊपर लाने के लिए आर्थिकता की व्यवस्था होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए, नौकरी की व्यवस्था होना चाहिए। भारत की जो जनसंख्या के आधार पर भारत की संपत्ति है उस संपत्ति में समान अधिकार होना चाहिए। यही ये यूनिफॉर्म समान नागरिक कायदा कोड के आधार पर होना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मत है। यही मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि कानून बनाते समय इन सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ के मूल नागरिक है, मूल निवासी है, यहाँ के जो सिटीजन है, उनको कोई प्रकार के उनके अधिकार से हनन न हो और उनको अपना अधिकार मिले और इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए सभी की मदद हो, यही अपेक्षा करता हूँ और ऐसा ही कानून भारत में बने ये आशा करता हूँ।